वेल हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आए हो आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ स्किन वाइटनिंग कॉफ़ी फेस पैक शेयर करूँ जो आपके फेस पे इंस्टेंटली ही रिजल्ट देगा। 100% इफेक्टिव है आपके फेस पे, बहुत ही अच्छा नेचुरल सा इंस्टेंटली ग्लो आएगा। आपको शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, फेस पे इंस्टेंटली ग्लो चाहिए, फेशियल करवाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, आप पार्लर के महंगे महंगे फेशियल से भी अच्छा ग्लो चाहते हो, फेशियल से भी अच्छा निखार पाना चाहते हो, तो आप ये वाला फेस पैक ज़रूर ट्राई करें। फेशियल से भी अच्छा आपके फेस पे निखार आएगा। चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, चेहरे पे दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, झुरिया है, झाइया है, स्किन लूज हो गई है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। स्किन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, बेदाग और चमकदार बनाएगा। इंस्टेंटली ही आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और चेहरे पर एक नेचुरल सी शाइन आएगी। तो चलिए जानते हैं आपको ये फेस पैक किस तरह से बनाना है, किस तरह से यूज़ करना है। आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लींजिंग और स्क्रब दोनों साथ में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लीन बाउल लिया, फिर मैं यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 रुपये वाला पाउच यूज़ किया है। आप कोई भी ब्रांड का कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो। कॉफ़ी में कैफीन होता है जो हमारे डल स्किन को दूर करता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे स्किन के रंग को निखारता है, चेहरे के रंग को तो निखारता ही है, साथ ही साथ बढ़ती उम्र के असर को भी कम करता है और बहुत ही अच्छा स्क्रब का ये काम करता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है। मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी यूज़ की, आप इसकी जगह दरदरी चीनी भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारे फेस पे बहुत ही अच्छी शाइन लाता है, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है। उसके बाद फिर मैं इसमें 1 चम्मच जितना हनी यूज़ कर रही हूँ जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, बहुत ही अच्छा एंटीजिंग का काम करता है। फिर मैं इसमें टर्मरिक जेल यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह हल्दी भी यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्लींजर और स्क्रब का काम करेगा, ये 2 इन 1 है। तो आपको अपना फेस बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेना, फिर आपको अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करना है। 2 से 3 मिनट तक के लिए बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करनी है, उसके बाद फिर आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। आप इसे 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अपने फेस पे यूज करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो मेरा फेस पूरी तरह से क्लीन है। बहुत ही अच्छे से स्क्रब कर लो, फिर अपना फेस वॉश कर लो। आपके होंठ काले हो गए तो आप होंठों पे भी बहुत ही अच्छे से स्क्रब कर लो, फिर अपना फेस वॉश कर लो या फिर डायरेक्टली पैक अप्लाई कर लो। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पैक बनाना सिखा रही हूँ। एक क्लीन बाउल लिया, फिर मैंने यहाँ पे 1/2 टुकड़ा केले का लिया, आप देख सकते हो। इसे मैं बहुत ही अच्छे से स्पून से मैश कर लूँगी। आप चाहो तो इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लो या फिर मिक्सी में ब्लेंड करके इसका गूदा रेडी कर लो। फिर मैंने यहाँ पे एक और क्लीन बाउल लिया, उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच जितना चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह मुल्तानी मिट्टी, बेसन भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, हमारा यहाँ पे मेन रोल कॉफ़ी का है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हनी यूज़ कर रही हूँ। हनी ऑल स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं। विंटर का सीजन चल रहा है और हनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। उसके बाद फिर ये टर्मरिक जेल है, मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। आप इसकी जगह हल्दी या फिर एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। हल्दी आपके फेस पर अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो ज़रूर यूज़ करें। फिर मैं यहाँ पे केले का गूदा यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना केले का गूदा लिया है, और ज़रूरत रहेगी तो हम और इसमें ऐड कर लेंगे। तो आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लो। इसमें हमने चावल का आटा यूज़ किया जो हमारी स्किन के रंग को निखारेगा, बहुत ही अच्छा नेचुरल स्किन वाइटनिंग का ये काम करता है। कॉफ़ी बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएट का काम करेगा, और मैंने इसमें एक गूदा यूज़ किया है केले का जो बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन लूज़ हो गई है उसे टाइट करेगा, स्किन में जो झुरिया झाइया कालापन है उसे दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लो। फिर जो हमारा मेन जो चीज़ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है लेमन जूस। लेमन जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है जो दाग धब्बों को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और स्किन के रंग को काफ़ी ज़्यादा लाइट ब्राइट बनाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 to 3 ड्रॉप जितना लेमन जूस यूज़ किया है। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लो। आपका ये फेस पैक पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करें तो मैं अभी फ़िलहाल आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी। ये आपके फेस पर इंस्टेंटली ग्लो लाता है, स्किन के रंग को ये निखारता है, स्किन काफ़ी ज़्यादा चमकने लगती है, स्किन के कलर में आपको काफ़ी अच्छा फर्क नज़र आएगा। तभी आप फिलहाल देख सकते हो मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँ। जब भी यूज़ करें आप अपवर डायरेक्शन में अप्लाई करें, बहुत ही अच्छे से आप अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद फिर आपको 1 से 2 मिनट तक के लिए केले का जो छिलका बचा हुआ उससे आपको मसाज करनी है। मसाज करने के बाद फिर थोड़ा सा और फेस पैक बच जाए
तो थोड़ा सा और अप्लाई कर लो, उसके बाद फिर आप इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दो। तभी आप देख सकते हो मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो इंस्टेंटली ही आपकी स्किन में काफी अच्छा फर्क नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग का काम करता है, आप देख सकते हो इसका रिजल्ट। पार्लर के महंगे फेशियल से भी काफी अच्छा ये निखार लाता है, आपकी स्किन को काफी ज्यादा ये डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन काफी ज्यादा क्लीन क्लियर फेयर लगती है, आपकी स्किन को ये हेल्दी बनाता है, ब्लैक हेड से व्हाइट हेड से उसे रिमूव करता है, डेड स्किन सेल की लेयर को निकालता है, स्किन में जितनी भी गंदगी है, पोर्स में जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालता है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उसे मिनिमाइज करता है, स्किन लूज हो गई है उसे टाइट करता है। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करें, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इंस्टेंटली ही रिजल्ट चाहिए तो आप ये वाला फेस पैक जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बेस्ट और अफोर्डेबल है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।